फिलहाल तो देख ही सकते हैं, 3-4 बंदे इस पर हर वक्त लगे रहते हैं। हाँ, खाने पीने का इसके डाइट का काफी ध्यान रखा जाता है। 5-10 किलो दाना हो जाता है, जैसे सोयाबीन हो गया, गेहूं का दलिया हो गया, गाजर होगी, दूध हो गया, देसी घी हो गया, ये सब इसकी देसी घी वगैरह भी खिलाते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मैं अमित चौहान, चौहान एग्रो फार्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं कुरुक्षेत्र DFA मेले में, और यहाँ पर जो आप बुल देख पा रहे हैं वो बादल बुल है। हाँ। तो ये काफी शानदार बादल बुल है, और जो उसके ओनर है सेकंड हम उनसे मिलाते हैं आपको, और उसकी खासियत का पता करेंगे। सर, पहले आप किसान भाइयों को अपना छोटा सा परिचय दीजिए। भाई, मेरा नाम रविंदर है, मैं हरियाणा पानीपत का रहने वाला हूँ, और ये अपना बादल बुल है। सर, जो ये बादल बुल है, इसने अब ये कितने समय का हो चुका है और इसकी एज क्या होगी? इसकी एज तकरीबन 4 साल हो गई है। 4 साल? हाँ। और इसने अभी तक क्या क्या कंपटीशन जीते हैं, कहाँ कहाँ इसने भाग लिया है, इसकी सभी विशेषताएं बताइए। ये लगभग 5-6 जगह भाग ले चुका है और हर बार जीतता ही है ये। मतलब कहाँ कहाँ इसने भाग लिया और क्या क्या इसने प्रतियोगिता जीती है? अभी हाल फिलहाल में PDFA में जगराव में जो हुई थी चैंपियनशिप, वहाँ जीता था ये, और पहले NDRI करनाल में जीता था, वहाँ फर्स्ट पोजीशन आई थी इसकी। DFA में भी पहले विनर रह चुका है, यहाँ पर विनर रह चुका है। तो और क्या क्या खासियत है इसकी जो किसान भाइयों को? खासियत ये है, शरीफ है, अच्छे कटड़ी तैयार होते हैं इसके, एडवांस है काफ़ी, जो बच्चे इसके आते हैं। अच्छा, जैसे कोई सीमेंस इसका जो बिकता है, हाँ, कोई किसान भाई आपसे लेना चाहे, हाँ, तो वो कैसे, किस माध्यम से आपसे ले सकते? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले ले, मैं उस जगह का डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर आपको दे दूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर आप वीडियो में बता दीजिए। ठीक है, 999-288-5183, 999-288-5183। और किसान भाइयों को और इसकी विशेषताएँ बताइए, इसका कोड क्या है, और जो हम ये सीम पर देख पा रहे हैं ये क्या चीज़ है? ये इसकी ब्यूटी के लिए है, अच्छा लगे, और ये कोई जोड़ा वगैरह या रस्सी वगैरह सिंग में ना फंसाए। और इसके फादर युवराज हैं, वो भी एक चैंपियन बुल रहे हुए हैं। मदर इसकी अपने पास है, 23 किलो HLD भी रिकॉर्ड करवाए हुए हैं। मतलब जो इसकी मदर हैं उन्होंने जो दूध दिया है वो कितने लीटर दिया? 23 किलो 800 ग्राम। अच्छा, जो इसकी लंबाई और ऊंचाई की बात करें हम, तो इसकी ऊंचाई तकरीबन 5.10 इंच होगी। 5.10 फीट? हाँ, 5 फुट 10 इंच। हाँ। और इसकी लंबाई? लंबाई 12 फीट है। लंबाई 12 फीट। और सर, इसकी और विशेषताएं बताएं आप। विशेषता और क्या हो सकती है, एक पशु में जो ब्यूटी है, बिल्कुल ब्लैक कलर है, जेड ब्लैक अच्छा में है। हाँ, बिल्कुल। तो आप यहाँ पर जो मेले में शरीफ है, बिल्कुल शरीफ है, शांत है, मतलब मारता नहीं, कुछ नहीं करता, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। और इसकी सर, जैसे कि हम सिंग की क्वालिटी आप देख सको, सबसे बेस्ट सिंग इसका है इस टाइम का। सर, अगर हम इसकी रखरखाव की बात करें तो वो इसका किस तरह से आप इसका रखरखाव करते हैं? रखरखाव आप फिलहाल तो देख ही सकते हैं, 3-4 बंदे इस पर हर वक्त लगे ही रहते हैं। हाँ, खाने पीने का इसके डाइट का काफी ध्यान रखा जाता है। अच्छा, जैसे इसकी डाइट है वो लगभग कितनी है? डाइट तकरीबन 5-10 किलो दाना हो जाता है, जैसे सोयाबीन हो गया, गेहूँ का दलिया हो गया, गाजर होगी, दूध हो गया, देसी घी हो गया, ये सब इसकी देसी घी वगैरह भी खिलाते हैं। और सर, चारे में, जैसे चारे में हरा चारा, हरा चारा खिलाते हैं। और सर, इसका लगभग एक दिन का खर्च कितना हो जाता है? तकरीबन हो जाता है, एक दिन का नहीं, वो महीने के अकॉर्डिंग, महीने के। और ये इसके रिजल्ट भी आप देख सकते हो भाई, इसके कटड़े कटड़िया कैसे आ रहे हैं, इसका रिजल्ट भी आप, ये इसका कटड़ा है। हाँ, ये इसका कटड़ा है, आज देख लिया, देखिए पूछ में एक भी बाल सफ़ेद नहीं है, बिल्कुल ब्लैक, जड़ ब्लैक है। और इसके जैसे घुमावदार भी पूछ है, और टेस्टिकल आप देख सकते हो। अच्छा अच्छा, काफ़ी शानदार है। किसान भाइयों, आपने देखा बादल जो है कितना शानदार बोले, और कई प्रतियोगिता ये जीत चुका है, और इसके फादर आपने नाम काफ़ी सुना होगा, युवराज है। तो सर, यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।